One. अस्सलामुअलैकुम भाईजान, जिन्होंने भी हमें लाइव ज्वाइन किया, अपडेट करते चलें कि इलेक्शन की सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है। पीटीआई के साथ बहुत ज्यादती हो रही है पूरे मुल्क में, तमाम सीटें पीटीआई की उन्होंने अपने अपने नाम कर ली है। पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी इलियास की वाजिया बर्तरी के बावजूद लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जो भी लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ पाकिस्तान की ताज़ा तरीन इलेक्शन की सूरत हाल से कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। फिलहाल तो हालात बहुत नाजुक हैं भाईजान। पाकिस्तान की तकरीबन सारी पीटीआई की जितनी भी हेलो भाईजान, क्या हाल है? अंसुल हक कहाँ से हैं आप भाईजान, किस हल्का से हैं आप लोग? हमारे हल्का में तो भाईजान शौकत महमूद बसरा जो कि पीटीआई की तरफ से टिकट होल्डर थे, वाजिया बर्तरी के साथ जीते हैं। उन्होंने 10,000 की वाजिया बर्तरी ली थी, मगर उनके साथ ज्यादती की गई है, उनसे सीट छीन कर ज्यादा लीग के रहनुमा है, उन्हें दे दिया गया सीट। ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाईजान। समझ सकता हूँ यार, समझ सकता हूँ पर क्या कर सकते हैं भाईजान। कहाँ से हैं भाईजान? हाँ, हमजा आसिम भाईजान कहाँ से हैं आप? आपके हल्का में कौन जीता है भाईजान? अपडेट दें यार हमें, किस किस के हल्का में क्या क्या सूरत हाल चल रही है। हमारे हल्के में तो टिकट छीन ली गई है भाईजान, पीटीआई जीती थी। इधर से काशिफ नवीद पंसोता एमपीए की सीट पर जीते हैं, जो कि एमपीए की सीट पे पीटीआई की तरफ से टिकट होल्डर थे, और शौकत महमूद बसरा थे, वो भी दोनों जीत गए थे। पर दोनों को एक शौकत महमूद बसरा की तो टिकट वापस ले ली गई है ना, वो तो दे दी गई है जनाब ज़िया अली के ज्यादा लाख चूड़े को दे दी गई है। क्या लग रहा है सिंपल गवर्नमेंट बन पाएगी भाईजान? जिनों की गवर्नमेंट बनानी है वो तो स्पीच कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा नवाज शरीफ भाईजान स्पीच दे रहा है, कर पता नहीं स्पीच किस मुंह से दे रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एक बंदा इतनी करप्शन करके भाईजान आकर स्पीच दे रहा है, कि इतनी ज्यादा की गई है ना, क्या उसे कहते हैं धांधली, कि बंदे की सोच खत्म हो जाती है, इतनी धांधली की गई है। और वो आकर भाईजान विनिंग स्पीच कर रहा है कि भाई मैं जीत गया हूँ, पता नहीं किस मुंह से आ जाते हैं यार आवाम के सामने, कई बार तो बंदा पागल हो जाता है। इंडिया बिहार से हो इमरान खान की, सिंपल गवर्नमेंट बन पाएगी भाईजान? सिंपल गवर्नमेंट नहीं बनने वाली, यहाँ पर बहुत मामला सीरियस हुआ हुआ है, अवाम भी पागल हुई हुई है, अवाम के साथ ज्यादती हुई है, अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है, वोट चोरी किया गया है अवाम का। देखते हैं क्या सूरत हाल है। आप इंडिया से हैं हमजा भाई, आप कहाँ से? हमजा आसिम
भाईजान इधर से शौकत महमूद बसरा हमारे से 10,000 की लीड पर जा रहे थे। रात को जो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस हुआ है फॉर्म 45 के मुताबिक, पर सुबह उठकर रिजल्ट तब्दील किए गए हैं। फोटाबास में आर ओ ऑफिस के बाहर मैं फिरता रहा हूँ आज सारा दिन। मैं आर ओ ऑफिस के बाहर था, फोटाबास आवाम फुल एहतजाज कर रही थी, पीटीआई की जितनी भी आवाम थी फुल एहतजाज हो रहा था। इस वजह से वो नतज का ऐलान नहीं कर रहे थे कि कहीं मतलब तोड़ फोड़ होगी ना। आवाम ने बहुत गुस्से में थी, शदीद गुस्सा था आवाम में कि उनकी वोट को चोरी किया जा रहा है मैंडेट। और जो हमारा आर ओ है उसको जिया लीग के एजाज अलहक ने 2 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन भेजी है, जिसकी जिसका स्क्रीन शॉट लीक हुआ है जो कि सामने आ गया, सबके साफ पता चल रहा है कि। और शौकत बसरा साहब को बहुत ऑफरें मिल रही हैं कि वो ज्वाइन कर ले, मतलब सीट वगैरह छोड़ दे और पैसे ले लें इतने ले लें। और वो भी अटल है, उन्होंने भी हलफ दिया था कुरान पाक पर कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो वो भी अटल है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर एजाज अलहक जो कि यहाँ पर एमएलए की सीट का खुद को कह रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, अगर वो कुरान पर हाथ रख कर ये दावा कर दे कि मैंने सीट ये जीती है, तो वो कह रहा है कि मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। एजाज अलहक ने ये भी कहा है शौकत महमूद बसरा ने कि अगर आर ओ जो कि नतज का ऐलान कर रहा है, जो कि बिल्कुल मनफी नतज का ऐलान कर रहा है, अगर वो आकर कह दे कि ये नतज का ऐलान जो मैंने किया है कुरान पर हाथ रख कर कह दे कि ये बिल्कुल ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं इसको सच मान लूंगा। शौकत महमूद बसरा ने कहा कि मैं पीछे हट जाऊंगा और अपनी सीट दे दूंगा। पर भाईजान कोई बात कोई सूरत हाल सामने नहीं आ रही। इलेक्शन में भाई आवाम का सारा वोट चोरी किया जा रहा है, अभी समझ से बाहर हुए हैं लाद। भाईजान फाइनल विनर खान साहब थे, कल तक वाजिया बरतरी खान साहब की थी, पूरे मुल्क में हुकूमत इमरान खान साहब बनाने जा रहे थे बन गई थी। 50-50 हज़ार वोट पर बरतरी हासिल थी इमरान खान को, हर सीट पर 50-50 हज़ार, कहीं पर 90 हज़ार, लाख हज़ार वोट पर बरतरी थी। मगर सुबह उठ के पता चला है कि जनाब पता नहीं कैसे नतज का ऐलान कर रहे हैं भाईजान, सारा उनका मैंडेट चोरी है, वोट चोरी, पता नहीं कहाँ से 50-50 हज़ार वोट की धांधली की है, बंदे की सोच खत्म हो जाती है। पता नहीं कैसे कर रहे हैं मुल्क में, ये हुकूमत कैसे बनाएंगे। नवाज शरीफ जिंदाबाद। भाईजान ताडा इलाज नहीं है, तुम किसी चंगे डॉक्टर को जाओ जा दे, ताडे बल्ला ज्यादा अंदर चला गया तो बाहर करवाना पैना। वेयर इज बरिस्टर गौहर? बरिस्टर गौहर भाईजान, बरिस्टर गौहर यार अभी फिलहाल कह रहे हैं कि नवाज इमरान खान के हदायत का इंतजार किया जा रहा है कि इमरान खान काफी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब करेंगे कि अपने लोगों को हदायत जारी करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है बरिस्टर गौहर को कुछ ना कुछ करना चाहिए था, आज सारा दिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सारा दिन उनका वोट चोरी हुआ है, उनका जो कैंडिडेट है वो चोरी हुआ है। तो उन्हें चाहिए था कि बैरिस्टर गौहर को क्या कर पूरा मन एहतजाज की कॉल देते, पर उन्होंने नहीं दी। पर पता नहीं क्या इसके पीछे क्या वजह है, मेरे हिसाब से तो ये उन्होंने गलत किया है, पर पता नहीं, अब कन्फर्म नहीं पता। अब देखते हैं इमरान खान की तरफ से हदायत का इंतजार किया जा रहा है, इमरान खान कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल देंगे इंशाल्लाह। तो अभी भाईजान ये जो नवाज शरीफ जिंदाबाद कह रहे हैं आप अपनी अकल का इलाज करवाएं जाकर, इतना इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है फिर भी आप लोग ये कह रहे हैं, तो फिर आप लोगों का इलाज नहीं है भाई पाकिस्तान में। खा लिया भाईजान, खाना खा लिया, थैंक यू सो मच यार। वीडियो को लाइक कर दें यार, कमेंट कर दें, नेक्स्ट शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बेशक भाईजान ही शुड गिव विक्ट्री स्पीच लाइक नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पता नहीं किस मुंह से विक्ट्री स्पीच दे रहा है, उसकी विक्ट्री स्पीच सुनने वाले पता नहीं किस मुंह से सुन रहे होंगे, देना तो दूर की बात है भाईजान। मैं तो अभी अभी वहां पर बैठा था, बंद करके इधर आ गया, स्पीच मेरा देखने को दिल नहीं कर रहा उस बंदे को, पता नहीं क्या सूरत हाल चल रही है। इसका पासवर्ड खोलो यार भाईजान। नवाज शरीफ इज गिविंग अ विक्ट्री स्पीच इन पाकिस्तान आफ्टर विनिंग 62 सीट्स आउट ऑफ 265 सीट्स। Is Pakistan Army writing a new math book? If Nawaz Sharif had a little bit of shame, he would have gone back to London with his brother and daughter. भाई यार इतनी शर्म इनमें कहाँ आ गई है? He should give a speech like Nawaz Sharif. Like कर दें यार, like कर दें भाईजान, वीडियो को like कर दें जितने भी लोग देख रहे हैं। Welcome उमर भाई, welcome. अपने अल्फाज पर गौर करो भाईजान, गौर करके बोल रहा हूँ अपने अल्फाज पर, आप लोग अपनी अकल पर थोड़ा सा गौर करो। जी भाई पूछो, हरदीश हरदीप 777। गुजरात में हालात खराब,
निजाम नंगा तो पहले ही हो चुका था, कपड़े ना पहनने पे भी बजिद है। हेलो ऊपर कितने कौन से भाईजान, जैसे आज का इलेक्शन हुआ है इससे अच्छा था इलेक्शन करवाते ही नहीं, सीधा सीधा बता देते कि इसने वजीर आजम बनना है, इसने ये बनना है, इसने वजीर आला बनना है, इसने वजीर बनना है, हम मान लेते वो ज्यादा बेटर होना था। जा रही है।